हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट में 2007 में हुए ब्लास्ट मामले में फैसला देने वाले जज रविंदर रट्टी ने आज इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह क्या है इस्तीफा देने की, यह अभी साफ नहीं हो सका है। इसके पीछे क्या क्या मामला है, ये देने की वजह क्या रही थी, इसके पूरे जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ था जिनमें 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 9 लोग बम ब्लास्ट में मारे गए थे और कई लोग जख्मी हुए थे। 5 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी NIA को दी गई थी। NIA ने 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके मुख्य आरोपी स्वामी आसिमानंद को बताया गया था, जिसको आज NIA की स्पेशल कोर्ट नामपल्ली हैदराबाद ने बाइज्जत बरी कर दिया। उसके साथ साथ 4 अन्य आरोपियों को भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब इस बारे में हमारे संवाददाता इस केस से जुड़े वकील से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। Special court for NIA court found all the accused not guilty for the charges framed against them. Prosecution is not proved the case. So all the accused, Asimananda, Devendra Gupta, Lokesh Sharma, Bharat Bhai and Rajendra Chaudhary, well, they are all have been acquitted for the charges framed against them. अपना फैसला सुनवाई आसमान लोकेश शर्मा देवेंद्र गुप्ता और भरत भाई राजेंद्र, ये जो 5 लोग केस में मुलजिम थे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं प्राप्त हुआ, तो उसी लिए उसको सबको बरी कर दिए। तो सर अभी अभी सर अभी 5 लोग बाकी है, बाकी काम तो मालूम नहीं, बाकी काम तो मालूम नहीं।